वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद भगत सिंह पवार। आज हम बनाने जा रहे हैं क्वादा की रोटी, इसको आप मंडवा की रोटी भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए आटा 500 ग्राम, उसमें ठंडा पानी डालेंगे कम से कम एक गिलास, ज़्यादा पानी नहीं डालें नहीं तो ये गीला हो जाता है, इसको बेलने में प्रॉब्लम हो जाता है। और इसको अच्छे से टाइट करके बेलेंगे, आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं आपको चाहिए तो, और जीरा भी डाल सकते हैं। और इसको हम देख सकते हैं आप सॉफ्ट हो गया डो और ऑलमोस्ट डो रेडी है। अब उसका पतला पतला रोटी बनाएंगे, छोटा छोटा डो, देखिए स्मूथ डो रेडी हो गया है आप देख सकते हैं। अभी साइड में थोड़ा सूखा आटा लेंगे और देख सकते हैं आप छोटा छोटा पीला बना दिया हमने, ये होगा अराउंड 80 ग्राम का। और उसको थोड़ा आटे में दोनों तरफ से लपेट के फिर बेलना चालू करेंगे, आप देख सकते हैं तवा के ऊपर हमने डाल दिया रोटी, दोनों तरफ से इसमें अच्छा कलर आने के बाद इसको सेकना है। बहुत सॉफ्ट रोटी होते हैं, बहुत स्वादिष्ट, इसको आप बटर के साथ खा सकते हैं, मक्खन के साथ खा सकते हैं और दाल के साथ खा सकते हैं। एक तरफ रोटी देखो आप, दूसरी तरफ दे सकते हैं और सेम गैस पे इसको तवा निकाल के सेकने का, आप देख सकते हो कैसा फोल्डर रोटी, बहुत बढ़िया फोल्डर है। आप इसको दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बटर के साथ भी कर सकते हैं। देखो रोटी ऑलमोस्ट रेडी है, ये होते जी मंडुआ की रोटी, गढ़वाल में बोलते हैं इसको कोदे की रोटी, रागी रोटी भी बोलते हैं इसको। आप ऐसे ही चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करें और रोटी जरूर तैयार बनाए आप। आप देख सकते रोटी कितना बढ़िया रोटी लग रहा है, मस्त एकदम गोल्डन कलर।